कवर्धा जिले में सावन के प्रथम सोमवार पर प्रसिद्ध पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर पदयात्रा कार्यक्रम की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जिला प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। कार्यक्रम में हजारों लोग प्रदेश भर से शामिल होते हैं। इसी कड़ी में सावन के पहले सोमवार को डिप्टी सीएम विजय शर्मा पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर और भोरमदेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद उन्होंने 18 किलोमीटर पद यात्रा को भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा नगर के सरहदी सीमा तक शिव भक्तों के साथ पैदल भी चले। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्म नगरी कवर्धा में पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक पद यात्रा कार्यक्रम की परंपरा सालों से चली आ रही है। सावन सोमवार के पहले सोमवार को सभी को बहुत बहुत बधाई। कांवरियों के पहले जत्था का वापस आने के बाद एसपी खड़े होकर आरती करके कांवरियों का स्वागत करेंगे। आज विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए जल्दी निकलूंगा। आने वाले सोमवार को मैं खुद कांवरियों की सेवा करूंगा। तो कैसे बनेगा भाई, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो जो बात उस समय थी वो बात आज भी है। वो जाएंगे, दर्शन करेंगे, कांवड़ियों के मन में शंका है कि पिकअप वाहन में बोलबम के लिए जाना चाहिए कि नहीं करके। इसको मनाही की गई है, अवश्य कम करने की बात है। इसीलिए कवर्धा से अमरकंटक तक बस प्रारंभ किया गया है। ये कम होना चाहिए, अभी जैसी सुविधा है वैसा करेंगे। आगे धीरे धीरे कोशिश यही करेंगे कि हम उचित माध्यमों से परिवहन आवागमन किया जाए। वीआईपी पूजा 12 बजे के बाद होगी। अब 12 बजे तक सुबह तक सब कांवरिया आते हैं, सब आमजन आते हैं, उनकी पूजा हो जाने की 12 से 3 बजे तक का समय, उसके लिए भी सब लोगों ने बैठ कर तय किया है। मैं भी उस बैठक में था, सबके बीच बात। बहुत बहुत आभार। धर्म नगरी है कवर्धा में, परंपरा है बूढ़ा महादेव और भगवान भोरमदेव महाराज दोनों का आशीर्वाद कवर्धा के जन जन पर बना रहे। आज सावन सोमवार के पहले सोमवार को मैं सबको हृदय से बधाइयाँ देता हूँ, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ जब पहला जत्था कांवरियों का आएगा तो सबको पुलिस प्रशासन को कहा गया है, एसपी भी खड़े हो करके आरती करके कांवरियों का स्वागत करेंगे। आने वाले समय में आज क्योंकि विधानसभा का सत्र है, मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। परंतु आने वाले अन्य सोमवार को मैं स्वयं उपस्थित होकर के सेवा करूंगा, सारे कांवरियों की सेवा करूंगा। भी लगातार आते हैं लेकिन कई बार जो हमको कई असुविधा होती है। इस बार पहले से ही बैठक करके बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। भोरमदेव में भी उनके रुकने भोजन आदि की व्यवस्था, यहाँ पर भी विश्राम आदि की व्यवस्था है। दर्शन कैसे करेंगे उसका भी प्रोटोकॉल बना हुआ है। समितियों के माध्यम से और प्रशासन से बीच में बात हो गई है। मैं खुद भी बैठक में था, मेरे सामने सारी बातें हुई है। अमरकंटक में भी हमारे कांवरियों को कोई असुविधा ना हो, उनके लिए रहने भोजन आदि की व्यवस्था है। सावन महीने के पहले सोमवार को हम लोग सत्य के पक्ष में हैं और कुछ लोग भ्रम फैलाने के पक्ष में हैं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, परंतु आज इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी परेशानी है। कोई 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 कुछ नहीं कर सकता। मैंने टीम भेजी थी, टीम गई थी सामने सामने, सारी बात करके आई है। और कोई ऐसी स्थिति होगी तो मैं खुद जा करके वहाँ सारी व्यवस्थाएं देखूंगा। उसमें कांवरियों से कोई योगा ही कर ले हिम्मत नहीं। इस बार जब आधे घंटे तक कांवरिया जाएंगे दर्शन के लिए, अब आधे घंटे तक आमजन जाएंगे दर्शन के लिए, इस तरीके की प्रक्रिया भोरमदेव में भी सबकी सहमति से बनाई गई है।